नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आप देख रहे हैं तकनीकी विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme Narzo 20 सीरीज के बारे में, जो आज Realme ने इंडिया में लॉन्च की है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर Realme Narzo 20 सीरीज के जो फोन्स है वो हमें क्या और किस प्राइस पे ऑफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं Realme Narzo 20A जो मॉडल है उसके बारे में। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर हमें Qualcomm Snapdragon 665 चिपसेट देखने को मिल जाता है। और तो और दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है ब्रांड Realme ब्रांड की, क्योंकि जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आते हैं वो सब स्नैपड्रैगन 439, 450, 460 अपने साथ में लेके आते हैं, लेकिन 665 मेरे ख्याल से इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा चिपसेट है। तो ये थम्स अप है Realme को। और तो और परफॉर्मेंस के साथ साथ यहाँ पर हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला। और तो और जो दूसरा वेरिएंट है वो 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला। अब और तो और दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर बैटरी की, तो हमें यहाँ पर 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाएगी। और तो और नॉर्मल 10 वॉट्स की चार्जिंग आपको फ़ोन में अपने साथ अडाप्टर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कैमरास की, तो यहाँ पर हमें ट्रिपल कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जो कि है 12 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP, मतलब वो दोनों तो गिनना ही मत, वो 2-2 MP वाले। और तो और फ्रंट में हमें 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और तो और दोस्तों, बस ज़्यादा कुछ है नहीं ये 20A के बारे में। सारे ही सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों, हम मेन बात करें इसकी प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर 332 वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी है 8,499 रुपीज़। तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी डील है। वैसे तो 665 अच्छा चिपसेट है। और तो और जो 4GB रैम 64GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 9,499 रुपीज़। अब दोस्तों, हम बात करते हैं Narzo 20 के बारे में। जो अपना जो प्रेडिसेसर था Narzo 10, ये उसका एक अपडेट वर्जन है। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, Narzo 20 में इस बार हमें 6.5 इंच की ड्यू ड्रॉप नॉच वाली HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि सेम रिजोल्यूशन है अपने प्रेडिसेसर Narzo 10 के कंपैरिजन में। साथ ही साथ दोस्तों, इस बार यहां पर हमें प्रोसेसर के मामले में परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें, तो अपना जो प्रेडिसेसर है उससे ये अपडेटेड है इस बार। यहां पर इस बार हमें MediaTek Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और तो और ये प्रोसेसर काफ़ी कैपेबल है, जो माली के G52 GPU के साथ में आता है। और तो और यहाँ पर हमें आर्म कॉर्टेक्स A75 की दो कोर्स भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये प्रोसेसर काफ़ी कैपेबल है। और तो और यहाँ पर भी हमें अगेन दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, 464 एंड अगेन 4 128GB। और तो और दोस्तों, अगर हम बैटरी की बात करें, तो यहाँ पर हमें मैसिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और जो इसकी जो बैटरी है वो 6000 mAh की बैटरी हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है। और तो और दोस्तों, 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो कैमरास दोस्तों, हमें यहाँ पर इस बार 48 MP के कैमरास यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी हमें सेम ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि 48 MP का प्राइमरी सेंसर। और तो और जो अगेन जो दूसरा कैमरा है 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को यह कैप्चर कर सकता है। और तो और दोस्तों, अगेन जो 2 MP का मैक्रो सेंसर है, 4 सेंटीमीटर मैक्रो लेंस। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हमें ट्रिपल कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। और तो और फ्रंट में दोस्तों, इन्होंने 8 MP का फ्रंट कैमरा यहाँ पर यूज़ किया है। और तो और दोस्तों, ज़रूरी सारे ही सेंसर्स के साथ में आता है। और तो और काफ़ी अच्छी प्राइस रखी है इसकी भी,
तो दोस्तों 464 वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 10,499 रुपीज़। और तो और दोस्तों 4GB रैम 128GB जो स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 11,499 रुपीज़। तो दोस्तों इनकी कंपैरिजंस और किस प्राइस में कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा इनकी वीडियोस भी मैं बनाने वाला हूँ जल्द ही, आप स्टे ट्यून रहिएगा। और दोस्तों हम बात करते हैं प्रो वेरिएंट के बारे में। इस बार हमें नार्जो सीरीज़ में प्रो वेरिएंट देखने को मिला है जो कि है रियलमी नार्जो 20 प्रो। अब प्रो का मतलब यहाँ पर हमें क्या एक्स्ट्रा मिलेगा अब सोचो, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें 6.5 इंच की पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और तो और दोस्तों ये नॉर्मल HD प्लस डिस्प्ले नहीं है, ये फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में ये डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। और तो और दोस्तों बस इतना ही नहीं, ये फुल HD डिस्प्ले होने के साथ साथ ये डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। और तो और 120 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और तो और दोस्तों ये जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें पंच होल देखने को मिल जाता है जो कि जो 20 और 20A है उनमें हमें ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है, लेकिन इस मॉडल में आपको पंच होल देखने को मिल जाएगा इस डिस्प्ले के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर भी अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर भी सेम हमें 6GB रैम और 64GB स्टोरेज और तो और 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। और तो और दोस्तों यहाँ पर हमें मीडियाटेक का हीलियो G95 चिपसेट देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ये जो G95 चिपसेट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि यहाँ पर हमें आर्म कॉर्टेक्स A76 बेस्ड दो कोर्स देखने को मिल जाती है। और तो और 6 पावर एफिशिएंट कोर्स भी देखने को मिल जाती है। और तो और दोस्तों ये माली G76MP GPU के साथ में आता है। और तो और दोस्तों ये जो GPU है वो ओवरक्लॉक्ड किया गया है अप टू 900 MHz तक। तो दोस्तों ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छे GPU के साथ में आता है, तो इसी वजह से जो हीट जनरेट होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए नार्जो 20 प्रो में हमें कार्बन फाइबर कूलिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको फ़ोन आपके फ़ोन के टेम्परेचर को कम करेगा और आपके फ़ोन को ठंडा रखेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो अगेन दोस्तों यहाँ पर हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। हाँ मैं जानता हूँ जो 20 है उसमें 6000 mAh की बैटरी थी और यहाँ पर 1500 mAh कम है, लेकिन दोस्तों इन्होंने ये कॉपअप किया है अपने लेजेंडरी 65W के चार्जर के साथ में जो आपको फ़ोन के बॉक्स के साथ इन द बॉक्स आपको वो 65W वाला चार्जर देखने को मिलेगा। इमेजिन दोस्तों 65W की चार्जिंग आपको नार्जो सीरीज़ के 20 प्रो में भी आपको देखने को मिलेगी। तो जी ये जो 4500 mAh की बैटरी है वो करीबन 36 to 37 मिनट्स में आपके फ़ोन को फुल चार्ज कर देगी। तो भाई बैटरी के हिसाब से तो ये सारे के सारे बॉक्स चेक कर लेता है। डिस्प्ले के हिसाब से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्प्ले और तो और फास्ट रिफ्रेश रेट भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करें अगर इसके कैमरा की तो यहाँ पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और तो और दोस्तों ये जो कैमरा सेटअप है यहाँ पर हमें 48 MP का मेन प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमें 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि सेम ही है नार्जो 20 के कंपैरिजन में सेम वही लेंस यूज़ किया गया है जो 119° फील्ड ऑफ व्यू को कैप्चर कर सकता है। और तो 2 MP का मैक्रो लेंस है जो 4 cm मैक्रो लेंस है वो। और तो जो और दूसरा जो 2 MP का कैमरा है वो डेप्थ या बोके इफ़ेक्ट्स लेने के लिए यूज़ किया गया है। और तो और दोस्तों यहाँ पर अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें 16 MP सोनी IMX471 सेंसर देखने को मिल जाता है इसके फ्रंट में, जो रियलमी ने पास्ट में अपने बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ किया हुआ है इसी 16 MP के सेंसर को। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में तो यहाँ पर 6GB रैम 64GB स्टोरेज की जो प्राइस है वो है 14,999 रुपीज़।
और तो और जो अपर वेरिएंट है 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज, उसकी प्राइस है 16,999 रुपीस। अब दोस्तों ये जो 20 प्रो है, नाजो 20 प्रो, वो अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी तगड़े फीचर्स अपने साथ में लेके आता है। ख़ास तौर से वो 65 वॉट वाला सुपर डैट चार्जर वो इसकी एक मेन हाईलाइट रहेगी, वो और तो और 6.5 इंच की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली 90 हर्ट्स फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाली डिस्प्ले, ये दो काफ़ी मेन फीचर्स इसके होंगे। और तो और इसकी जो प्राइस है उसके कंपैरिजन में दोस्तों फ़िलहाल और कोई भी ब्रांड ये ऑफ़र नहीं कर रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है रियलमी के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और तो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। जय हिंद।